सारी आफतें शुरू हुई मेरी लाइफ में, तो मेरा सबसे पहला डर ये था कि मेरी माँ को क्या बोलेंगे। एक तो उसने इंटरकास्ट में शादी की, ऊपर से डिवोर्स भी कर रही है। एंड देन बचपन से जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, आपको बताया जाता है इट अ कॉम्प्रोमाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बंदो थप्पड़ इज नथिंग, हस्बैंड्स मारते हैं कोई बात नहीं, हर कोई यहाँ पे जो आस पड़ोस में हर औरत ने सबने एक दो थप्पड़ खाए हुए हैं। माई मदर नेवर सेड दिस बट एवरीबडी अराउंड मी केप्ट सेइंग दैट। एंड विद अ चाइल्ड, बच्चा क्या जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा क्या करेगा। आई वॉज वेरी यंग, 27 ईयर्स की थी जब मैं सेपरेट हुई फर्स्ट मैरिज में। 27 ईयर्स में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ क्या होगा बच्चे का, क्या हो सकता है। हर रोज़ लड़ते रहने से, चिल्लाते रहने से, फादर को ड्रंक घर में आता देखकर बच्चे पे ज़्यादा गलत असर पड़ रहा है। सिंगल पेरेंट का इतना नुकसान नहीं होगा जितना एक अब्यूसिव हस्बैंड और फादर के साथ रहने से होगा। और फिर एक टाइम आता है ना व्हेन यू गिव अप, व्हेन यू से नो दैट्स इट, लेट होने दो जितना और क्या बुरा हो सकता है। वो टाइम आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ यू रियली डोंट नीड एनीबडी टू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड लुक आफ्टर योर किड्स इफ यू आर इंडिपेंडेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लेडीज हु आर स्टक इन देयर अब्यूसिव रिलेशनशिप इज बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड आई डोंट एंड इट्स अ सॉलिड ट्रूथ। यस, आई मस्ट टिल डेट, या यू नो, इफ यू, आई एम नॉट देयर इज नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट क्रॉसेस योर माइंड दैट हाउ एम आई गोइंग टू लीव। आई नो देयर आर लेडीज हु लीव देयर, दे आर एजुकेटेड, दे वर, दे यूज्ड टू वर्क, मतलब शादी से पहले काम करती थी विद गुड हैंडसम सैलरीज, बट दे लीव देयर वर्क बिकॉज दे फील अब तो बच्चे पालने हैं। क्यों भाई, बच्चे तो उसको भी पालने हैं, उसने तो नहीं छोड़ दिया। ट्रू, you can't leave your security, you, that's all right. If they say, if somebody says you will have to leave your job for your house, he's not your right partner. Absolutely. कोई तुमको अपने dreams और अपनी independence छोड़ने को नहीं बोलता for a family. वो तुम्हारे साथ तुम्हारा support बनता है to be independent. That's a real relationship which I realize now after 2 broken marriages. But yes, if somebody is trying to tell you that stay in the house, this looking after this house is more important than your career and then your dream, then you being independent is not a right partner for you.